कोरोना काल में रेलवे ने किया बड़ा कारनामा। दुनिया में पहली बार चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेलगाड़ियों को लेकर अक्सर आपने मेल, एक्सप्रेस या मालगाड़ी का नाम सुना होगा, लेकिन कोरोना काल में रेलवे ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। ये कदम देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उठाया गया है। देश में हर मुश्किल परिस्थिति में रेलवे ने अपना काम बखूबी निभाया है। कोरोना काल में ही पिछले साल लाखों बेड्स तैयार करने वाले रेलवे ने हर जिम्मेदारी को भरपूर निभाया है। इससे पहले महाराष्ट्र में सूखे के हालात में वाटर एक्सप्रेस भी चलाई गई थी। अब रेलवे की सबसे इनोवेटिव काम यानी ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी दुनिया देखने वाली है। दरअसल कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए रेलवे के सामने ये प्लान पहले ही आ गया था, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने रेलवे द्वारा तरल मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO टैंकर ले जाने की संभावनाएं तलाशने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क किया था। इसके बाद रेलवे ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया और आखिरकार इसे अमली जामा पहनाने का ऐलान हुआ। रविवार को रेलवे ने ऐलान कर दिया कि वो सभी मुख्य कॉरिडोर पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे ने तत्काल तकनीकी स्तर पर LMO की ढुलाई की संभावना का पता लगाया। LMO फ्लैट वैगन्स पर रोड टैंकर्स के साथ रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के माध्यम से पहुंचाए जाने हैं। रोड ओवर ब्रिजेस की ऊंचाई की सीमाओं और चुनिंदा स्थानों पर ओवरहेड इक्विपमेंट के कारण रोड टैंकर्स में से 3320 मिलीमीटर ऊंचाई वाले रोड टैंकर के मॉडल T1618 को 1290 मिलीमीटर ऊंचाई वाले फ्लैट वैगन्स पर रखे जाने के लिए सही पाया गया था। ऑक्सीजन ढुलाई को देखते हुए देश के अलग अलग स्थानों पर परीक्षण कराए गए। ऑक्सीजन ढुलाई करने वाला DBKM वैगन 15 अप्रैल 2021 को मुंबई में कलमबोली गुड्स शेड में खड़ा था और यहां पर LMO से भरा एक T1618 टैंकर भी लाया गया था। उद्योग और रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से इसका लेखा जोखा लिया गया। इसके आधार पर रूट के लिए मंजूरी ली गई थी और पाया गया कि ओवरहेड मंजूरियों के आधार पर कुछ सेक्शन पर गति की सीमाओं के साथ ODC यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट और रोरो के रूप में ऑक्सीजन आपूर्ति करना संभव होगा। कोरोना मरीजों को मिलेगी संजीवनी। तरल मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई से जुड़े मुद्दे पर 17 अप्रैल 2021 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और राज्य परिवहन आयुक्तों की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया था कि टैंकर की व्यवस्था परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र द्वारा की जाएगी। ये खाली टैंकर कलमबोली, बोईसर, मुंबई और आसपास के रेलवे स्टेशन में भेजे जाएंगे और तरल मेडिकल ऑक्सीजन के लदान के लिए उन्हें विजाग और जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो भेजा जाएगा। इस तरह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड एक तरह से मरीजों के लिए संजीवनी सप्लाई करने का काम करेंगे। इन्हीं राज्यों के प्लांट से देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन भेजी जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के फैसले के पालन के लिए रेलवे मंडल्स को तत्परता से ट्रेलर्स प्राप्त करने और फिर लदान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विजाग, अंगुल और भिलाई में रैंपो का निर्माण किया गया है और कलमबोली में मौजूदा रैंप को मजबूत किया गया है। कलमबोली रैंप 19 अप्रैल 2021 तक तैयार हो जाएगी। अन्य स्थानों पर भी टैंकर्स के पहुंचने तक 2 दिन के भीतर वहां रैंप तैयार हो जाएंगे। 18 अप्रैल 2021 को बोईसर में एक परीक्षण किया गया था, जहां एक भरे हुए टैंकर को एक फ्लैट DBKM पर रखा गया और सभी जरूरी माप की गई थी। रेलवे ने अलग अलग स्थानों पर टैंकर्स की रवानगी की संभावनाओं को देखते हुए पहले ही कलमबोली और अन्य स्थानों पर DBKM वैगन पहुंचा दिए हैं। रेलवे टैंकर्स भेजने के लिए महाराष्ट्र से परामर्श का इंतजार कर रही है। अनुमानित रूप से 19 अप्रैल 2021 को 10 खाली टैंकर भेजने के लिए एक परिवहन योजना तैयार कर ली गई है।